आदमी पार्टी के दिल्ली तो विधायक नरेश यादव से मलेरकोटला बेअदबी मामले की सुनवाई जारी है, जिस दे लई ओ अज भी संगरूर अदालत दे विच पेश होए। हुण अगली पेशी के दौरान नरेश यादव के खिलाफ दोष पत्र नूं लैके बहस होवेगी। मलेरकोटला च धार्मिक ग्रंथ बेअदबी के मामले च घिरे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव की संगरूर जिला कोर्ट विच पेशी हुई। मामले च अगली सुनवाई हुण 17 अक्टूबर नूं होएगी। उसे दिन नरेश यादव के दोष पत्र नूं लैके बहस होवेगी। नेक्स्ट डेट 17 अक्टूबर लगाई है फॉर चार्ज के ऊपर, और बाकी तो अभी सारा केस आगे चलेगा। नरेश यादव ने एक बार फिर तो अपने आप नूं बेकसूर दसते हुए पूरे मामले नूं अपने खिलाफ सियासी साजिश करार दिता। कुछ नहीं है, ये तो सारा सभी को मालूम है कि ये बिल्कुल एकदम फॉल्स केस है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बनाया है। इनके पास में कोई किसी तरह का कोई प्रूफ इसमें है नहीं, ना ही इसमें कोई मतलब कॉल का है या कोई एसएमएस का है, जो भी मतलब ये क्लेम करते हैं। गौरतलब है कि मलेरकोटला च हुई धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव का नाम सामने आया सी। उस तो बाद उन्हां तो पंजाब पुलिस ने दो बार पूछगिछ की थी, अते 24 जुलाई नूं पंजाब पुलिस ने दिल्ली तो नरेश यादव नूं गिरफ्तार किया सी। नवल गर्ग, जी मीडिया, संगरूर।